नगर निगम के सभागार में बैठक कर शुक्रवार को नगर विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर आशीष कुमार ने नगर निगम के द्वारा चल रहे कार्यों की समीक्षा की, जिसमें आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट SPS सहित कई बिंदु पर समीक्षा करते हुए इन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिया। मौके पर इन्होंने बताया कि आकांक्षा के पास 55 गाड़ियां हैं, लेकिन सभी गाड़ियों का साफ सफाई में प्रयोग नहीं लाया जा रहा है, जिसको लेकर कंपनी के डायरेक्टर को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द सभी गाड़ियों को दुरुस्त कर साफ सफाई में लगाया जाए। वहीं SPS के कर्मियों को भी निर्देश दिया गया कि घर घर जाकर सैफ फॉर्म को भरवाएं और ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया जाए। मौके पर उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, प्रशिक्षु IAS पीयूष सिन्हा, नगर विकास विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर की पूरी टीम मौजूद थी। आज नगर निगम सभागार गृह में कई विषयों पर समीक्षा की गई। आज का मुख्य उद्देश्य था कि रांची नगर विकास विभाग से असिस्टेंट डायरेक्टर एवं उनकी टीम आए हुए हैं और संयुक्त रूप से कई बिंदुओं की समीक्षा की गई, जिसमें आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट का एक विषय रहा, जो नियमित रूप से साफ सफाई हो, अपने वाहनों की संख्या को बढ़ाएं, उनके जो प्लांट है वो प्लांट चालू हो जाए और उनका जो लैंडफिल सेट चल रहा है उसको जल्दी से जल्दी पूरा कर लें। उसी प्रकार सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के भी लोग थे, वो अपने जो है मोती लदापुर का काम चल रहा है उसको जल्दगति से काम करते हुए वो पूरा करें। दूसरा हम लोग का बिंदु था कि रेवेन्यू जो आंतरिक स्रोत होता है, हम लोग उसको किस तरीके से वृद्धि करेंगे। एक नया पोर्टल चालू हुआ है जहाँ होली नगर को पोर्टल को अपलोड करेंगे और उससे डिमांड जनरेट होगा, तो जिससे वाटर टैक्स कलेक्शन में सुविधा होगी और नागरिकों को भी पता चल जाए कि वो कितना वाटर यूज कर रहे हैं, उनमें पर मंथ कितना बिल आ रहा है, तो उसे वाटर कंजप्शन में कंट्रोल भी होगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहे कि उनका पानी अनावश्यक बर्बाद हो और उनको ज़्यादा बिल देना पड़े। इन सारे बिलों पर गहन और विस्तृत समीक्षा की गई और सबको टाइम लाइन दिया गया, जो भी इतने कंसेशनर हैं, एजेंसी हैं, या अपने जो अपने वर्कर हैं, कर्मी हैं, या निगम के जो समय पदाधिकारीगण हैं, सभी को आवश्यक निर्देश दिए गए और आज की बैठक समाप्त की गई।